दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। शेयर बाजार मजबूत शुरुआत, टाटा स्टील ने दिखाई 3% की तेजी। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों ने तेजी के साथ सत्र का आगाज किया। भारतीय बाजारों पर वैश्विक और एशियाई बाजारों की बढ़त का प्रभाव नजर आया। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वार में कुछ नरमी के संकेतों के बाजारों को राहत दी है। नाकाफी वित्त मंत्री की राहत, रुपए को 80 के स्तर तक लुढ़कना चाहिए। बाजार के दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा का मानना है कि सरकार द्वारा दी गई राहतें अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए नाकाफी है। उनका मानना है कि आर्थिक तंत्र में महंगाई के स्तर को वापस लाने के लिए रुपए को डॉलर के मुकाबले 80 के स्तर तक लाने की जरूरत है। एक्सिस बैंक लिमिटेड खरीदे 710 के लक्ष्य पर। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी के मार्केट एक्सपर्ट चंदन तापारिया सुझाव देते हैं कि एक्सिस बैंक लिमिटेड की शेयर रुपए 710 के लक्ष्य मूल्य पर खरीदे। एक्सिस बैंक लिमिटेड का मौजूदा बाजार मूल्य रुपए 683.65 है। मार्केट एक्सपर्ट ने इसकी समयावधि इंट्राडे तय की है, जब एक्सिस बैंक लिमिटेड की कीमत अपनी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकती है। ग्राम नेट के जरिए वाईफाई से जल्द जुड़ेंगे देश के सभी गांव। मोदी सरकार ग्राम नेट के जरिए जल्द ही देश के सभी गांव में वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। ग्राम नेट ने कनेक्टिविटी 10 Mbps से 100 Mbps स्पीड के बीच होगी। मोदी 2.0 सरकार में संचार राज्य मंत्री संजय श्यामराव धोत्रे ने इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण विकसित कराने वाली सरकारी कंपनी C.DOT के 36वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात की। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।